अभिषेक क्या कर रहे हो? वो ना, मुझे काफी टाइम से ना तुमसे एक बात शेयर करनी थी। हाँ बताओ। दरअसल क्या है कि मेरे पेट में जो ये बच्चा है ना, ये हमारा नहीं है। अरे अंकिता, तुम ये क्या मजाक कर रही हो? देखो अभिषेक, मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि तुम्हें सबको सच सच बता दूं, पर मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। अब जाकर मैंने बड़ी हिम्मत से तुम्हें ये बात बोली है, और ये बात बिल्कुल सच है कि ये बच्चा हमारा नहीं है। देखो अंकिता, मुझे ना ऐसा मजाक ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम सुबह सुबह क्या सब बोल रही हो? देखो अभिषेक, मुझे पता है तुम्हें ये सुन के तकलीफ हो रही होगी, लेकिन यही सच है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम कह रही हो कि ये बच्चा हमारा नहीं है, तो फिर किसका बच्चा है? ये बच्चा पंकज का है। अगर ऐसा है ना, तो अभी बुलाता हूँ पंकज को। मैं तुम्हारे सामने पूछता हूँ, एक मिनट रुको। पंकज, पंकज जी साहब। जी साहब। पंकज, ये तुम्हारी मेम साहब क्या बोल रही है? क्या ये बात सच है? क्या बात बताइए मालिक। देखो पंकज, मैं चाहती हूँ कि तुम भी साहब को बिल्कुल सच सच सब बता दो। अरे अरे मालकिन, आप ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं गरीब आदमी, आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। पंकज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे प्यार करते हो ना। प्लीज पंकज, तुम साहब को सब सच सच बता दो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल सच्चाई तो सबके सामने आनी ही थी ना, तो प्लीज तुम बिल्कुल मत डरो और इन्हें सबको सच सच बता दो। हाँ मालिक, मैम साहब बिल्कुल सही कह रही है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो मालिक काफी टाइम से हम दोनों की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम नहीं बता पाए। देखो अभिषेक, ये बिल्कुल सच है कि ये बच्चा पंकज का है। पंकज, मानता हूँ मैं बिजनेस ट्रिप पे इतने टाइम तक बाहर रहता था, पर मुझे ना तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं कितने विश्वास से तेरे को लेके आया था। मैंने तो सोचा था कि तू पीछे से अपनी मालकिन का ध्यान रखेगा, पर मुझे ये सब नहीं पता था कि तू ये हरकत करेगा मेरे घर में रह के। तुझे पता है, तूने जो हरकत करी है ना, ये ना बहुत गलत है। तूने ना मेरे साथ विश्वासघात करा है। अरे अभिषेक, क्या कुछ भी बोल रहे हो, इसमें पंकज की कोई भी गलती नहीं है। वो यहाँ पर जो रह रहा है ना, वो मेरे वजह से ही रह रहे हैं, मैंने ही उसको बोला है। अरे अंकिता, अगर ऐसी बात थी तो तुम ही मुझे बता देती, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? देखो अभिषेक, कॉलेज टाइम से ही हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, और मेरे मम्मी पापा ने हमारे प्यार को नहीं समझा और नहीं अपनाया, और तुम्हारे साथ मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। अगर तुम्हारे फैमिली वाले नहीं मान रहे थे तो तुम मुझसे बात तो करके देखती। मैं ही अपने घर वालों को मना कर देता, पर तुमने ना अपने साथ साथ ना मेरी जिंदगी भी बर्बाद करी है। लेकिन अभिषेक, मुझे भी थोड़ा पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उस टाइम पे। मुझे शादी के बाद पता चल रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अंकिता, अगर तुम मुझे ये सब पहले बता देती, शादी से पहले, तो हमें ना ये सब ड्रामा भी ना करना पड़ता। देखो अभिषेक, मुझे पता है तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर इतना दबाव बना दिया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम अच्छी जॉब करते हो, अच्छे वेल टू डू हो, तो तुम्हारे साथ शादी करना कोई गलत डिसीजन नहीं था। अगर मुझे ये पता होता कि शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। अभिषेक, मुझे प्लीज गलत मत समझो। मुझे तो सोच सोच के इतना बुरा लग रहा है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हमारी शादी को ना आज पूरे 2 साल हो गए हैं, और तुमने उस बीच भी मुझे बताना सही नहीं समझा। अगर तुम मुझे शादी के पहले दिन ही सच बता देती, शायद मैं उस चीज को समझता, पर तुमने ना मुझे कुछ भी नहीं बताया। देखो अंकिता, जो चीज तुम्हारे साथ हुई ना, वही सेम चीज ना मेरे साथ भी हुई। मैं अपने कॉलेज टाइम में एक लड़की को ना बहुत पसंद करता था, पर उस लड़की के फैमिली वाले नहीं माने, और मजबूरन मेरी शादी ना घर वालों ने ना तुमसे करवा दी। मैंने सोचा था कि मैं मूव ऑन कर लूंगा, पर आज तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाया।
पर मुझे जब ये बात पता लगी कि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो तो मुझे लगा कि शायद मेरे पास यही मौका है कि जो मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूँ। मानता हूँ कि मेरा प्यार मुकम्मल ना हो सका, पर मैं तुम दोनों से ना वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों का प्यार जरूर मुकम्मल करूँगा। छोड़ो उस चीज़ को कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी नहीं करवाई, मैं करवाऊँगा तुम दोनों की शादी, वो भी धूमधाम से और बैंड बारात के साथ। मैं समझूंगा तुम्हें, भले मुझे मेरा प्यार नहीं मिला पर तुम दोनों को तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। तुम दोनों का प्यार ना जरूर मुकम्मल होगा।